हाय दोस्तों, मेरा नाम है तान्या और वैसे तो मैं इंडिया से हूँ, बट इस वीडियो सीरीज में मैं कर रही हूँ एक एपिक बकेट लिस्ट रोड ट्रिप इन कैलिफोर्निया मेरी फ्रेंड नम्रता के साथ। और पिछले एपिसोड में हम पहुँचे लॉस एंजलिस, जहाँ पे हम मेरे फ्रेंड से मिले। अंदर आ जाओ। ओह वाओ, यूट्यूब का प्ले बटन। आई फील राइट एट होम ऑलरेडी। इट्स अ कोजी स्पॉट। और इस एपिसोड में हम जा रहे हैं डेथ वैली नेशनल पार्क। जिंदगी एक सफर की तरह होती है, जिसकी कोई मंजिल का तो पता नहीं, पर वक्त के साथ साथ हम चलते भी हैं, रुकते भी हैं और हर पल अपने तरीके से जीते भी हैं। कभी कभी सफर पे कुछ नए किरदार मिलते हैं, पर माइंड यू, ये नए किरदार इस सफर में नए हैं, पर लाइफ के सफर में थोड़े पुराने हैं। तो आप कह सकते हो कि ये सफर की कहानी एक रियूनियन जैसी है। Guys, are we ready to rock and roll? Let's go! तो कल रात को ये लोग मुझे लेके गए वेस्ट हॉलीवुड, मुझे और नम्रता को, और हमने बहुत मजे किए। एक्चुअली हम लोग कैमरा इसलिए नहीं लेके गए बिकॉज वी जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू कैरी अ बल्की कैमरा विद अस, बट अदरवाइज हम लोगों ने बहुत फन किया। वी वेंट टू अ कपल क्लब्स, वी डिड सम बार हॉपिंग, तो काफी चिल कर लिया। गाइस प्लीज उठो, चलते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो, चले। तो अब हम लोग अपनी रोड ट्रिप में दो और लोगों को लेके शुरू कर रहे हैं। हमें बहुत सारी चीजें करनी है ऑन द वे। वी हैव टू फर्स्ट गो टू टारगेट टू गेट सम फ्लैश लाइट्स। हमारे पास कोई लाइट सोर्स नहीं है रात को डेथ वैली में घूमने के लिए। उसके सिवाय हमें ग्रोसरी स्टोर जाना है एंड वी हैव टू गेट सम रेड बुल सो दैट वी कैन स्टे अवेक थ्रू द नाइट। देखो, एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब भी पुराने यार मिलते हैं ना, तो धमाकेदार प्लान्स एकदम से बन जाते हैं। तो हमने भी बना लिया एक प्लान, लॉस एंजलिस से ज़्यादा नहीं, बस कुछ 400 किलोमीटर दूर डेथ वैली रात के अंधेरे में एक्सप्लोर करने का प्लान। हमने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ उठाई, विच इज़ दिस कैरमल डेजर्ट टॉपिंग। आई विल ईट इट विद चिप्स। ऐसे ही खा लेंगे मतलब। हाँ, और कुछ नहीं तो ऐसे ही खा लेंगे। ऐसे तो लोग नटेला भी खाते हैं ना। Exactly. हम लोग अभी सब चल चुके हैं एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स डेथ वैली। हमने ग्रोसरी कर ली एंड हम लोग एक जगह कहाँ पे मिलने वाले हैं, मैं बता दी बहन से, बेकर शेवरॉन शेवरॉन बेकर, दैट इज द लास्ट पॉइंट जहाँ तक सिग्नल आएगा। सो वी आर गोइंग टू मीट नम्रता सिस्टर, हर हस्बैंड एंड हर हस्बैंड्स यंगर ब्रदर ओवर देयर, तो वी आर गोइंग टू बिकम एन इवन बिगर ग्रुप। सो दिस इज लाइक फैमिली रियूनियंस, फ्रेंड रियूनियंस, एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस वीडियो राइट नाउ। जी हाँ दोस्तों, बस कुछ ही घंटों में हम और लोगों से भी मिलने वाले थे, पर एक बात तो है, पुराने यार और परिवार, इन दोनों से जब बहुत दिनों बाद मुलाकात होना, तो दिल में एक अजीब सी खुशी मिलती है और फिर शुरू होते हैं पुराने किस्से और बातों के सिलसिले। So I think we have already mentioned this a dozen times, but Priyanshu is my friend from college और मैंने electrical engineering की है DTU से, Delhi Technological University से, so we both were batchmates. हमारा एक बड़ा सा group भी था, थोड़ा सा और बड़ा group भी था, but we were the only two people in electrical engineering. So हम लोग ने बहुत college में अच्छा time बिताया है, बहुत सारे projects, बहुत सारे submissions, बहुत सारे deadlines एक साथ cross किए हैं. Much more than that. तो ये UCLA आया यहाँ पे US में and थोड़ा सा सुधर गया उसके बाद. And Monisha is Priyanshu's friend and now by extension also my friend. So I have a very interesting story to share, Priyanshu. देखो याद है तेरा जब एक बार heart to that पूजा था college में? Remember that is when you actually told me कि Tanya मैं car नहीं drive कर पा रहा, तो तू car drive कर. Yeah, तो that is when I actually learned how to drive because उस time फिर पे I was like a basic driver, मैंने बस ऐसे training ली थी थोड़ी सी drive करने की, but Priyanshu gave me his car and he went like तू चला मुझे please drive करके college drop कर दे, and I was like sure. वो कल एक line बोला ना इसने, अरे हाँ कि मेरे driving के पीछे उसका टूटा हुआ हाथ है. Yes, ये मेरा line था भाई, ये मोनिशा का line था. और मोनिशा को मैं पिछली बार एलए में मिली थी व्हेन आई केम हियर एंड हम लोगों ने हाँ तू रहती कहाँ है वैसे इंडिया में, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम धनबाद. सो ओके, सो या मैं वसेपुर के स्वागत लेते रहती हूँ. तू वसेपुर की है? नहीं, वसेपुर की हूँ, बट देन आई एम फ्रॉम धनबाद, सो क्लोज क्लोज या क्लोज
बट सही बात बताओ, वैसे वसेपुर सीरियसली वैसे ही जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में था? माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि वो जो स्टोरी पूरी दिखाई दी रामदेव सिंह की, हां दैट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट, वेरी बिकॉज़ इट्स पीसफुल फॉर द आर्म जनता, इट्स नॉट दैट अप देयर इज अ। अच्छा ओके, और प्रियांशु तू कहां से है? आई एम फ्रॉम राजस्थान, बीकानेर, फेमस फॉर इट्स स्वीट्स। और तू कॉलेज में हमेशा स्वीट्स ही लाया करता था घर से? आई रिमेंबर, सो आई यूज्ड टू ब्रिंग lot of sweets, I used to give half to the other people, half for my person. Ghevar, oh, toh ghevar kitna khata tha college mein? Ghevar is a sweet from Bikaner, aur ye boxes lata tha bade bade ghevar ke, aur ye parda hota tha. So he was preparing for CFA 4th year, mujhe yaad hai, CFA 5, first part, which he nailed by the way. But ye din bhar baith ke us ghevar khata tha, aur padhai karta tha. I think once I had like half a kg ghevar for him. Tu ne level 2 bhi clear kar liya? Chhod diya. Show. वेरी इंटरेस्टिंग पोल डांसिंग करते हैं, और मैंने ये पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखा था पहले कभी, सो इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्पेक्टिकल। हम दोनों पहले बहुत शर्मा रहे थे, मैं और नम्रता, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग, हम लोग ऐसे क्रॉस आर्म करके ऐसे खड़े थे बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे कि ओ ये क्या चल रहा है। बिकॉज यू आर अ पार्टी एनिमल। I mean, it's like work hard, party hard. That's my mantra. Haan, Monisha is also very hardworking, I can tell, because she's working here in LA. And quote unquote has a great package. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go, I'm fighting another day. Okay, gas time. और इसी के बाद हमें नम्रता की बहन भी मिल गई, जो ओरिजिनली अभी US में रहती है आजकल। एंड देन वी बिकेम एन इवन बिगर ग्रुप, और हम सब लोगों ने मिलके प्लानिंग शैनिंग शुरू कर दी डेथ वैली पहुंचने की। एंड वाकई में इस पूरे रियूनियन का माहौल काफी एनर्जाइज हो गया, पहले ओवर डिनर एंड देन ओवर आवर टॉक्स। फर्स्ट वी गो टू द मिस्कीट सैंडविच, सो दिस इज लाइक द फुल हाउस,
full to full house. I mean, 9:45 ho raha hai. It's like night time. And Death Valley jaane ke liye night time is actually the best time. As suggested by all these people. Nitisha. The locals. Nitisha, who's like... Yeah, veterans. Nitisha, Siddesh and Vishnu. You've been to like Death Valley a couple of times, right? Yeah, we have. Yeah. These three. Yeah. So yes, in logon ne dekha hua hai, which is why they suggested ki hum log raat ko hi jayenge. Raat ko for night sky it's good. Day for night sky it's good. Definitely bahut amazing. But it's hot. Mars. But it's hot. Yeah. So hum log abhi sab log milke jane wale hain and ye I think hum log agle episode mein cover karenge kyunki humne already is episode mein bahut kuch kar liya hai. But if you want to see the night sky, if you want to see stars, if you want to see all the amazing spots jinke bare mein hum log baat karte kuch der pehle. So wait up for the next video. And in the meantime, don't forget to like, share, subscribe. Yeah, we'll see you next time. Yellow light. Caution. मैंने पढ़े थे rules सारे. ये ऐसे कैसे गया? I was like, oh, चलो अच्छे से drive करेंगे और वो lines तोड़ के निकल गया.